हेलो एवरीवन वेलकम टू न क्लासेस आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है निकिता गुप्ता सो कॉन्ग्रेचुलेश निकिता गुप्ता आपके जे आए हैं और उसके साथ साथ आपको बता दो निकिता के टू सिक्सटीन मार्क्स आए हैं सो डबल थैंक यू मैम अच्छा निकिता जी आपने जे uh, की तैयारी कैसे करी थी Uh, मैम मैंने पेपर uh, वन की जो प्रिपरेशन है वो आपकी ही क्लासेस के थ्रू की है uh, उससे मतलब मुझे वो बहुत हेल्पफुल हुई है आपकी क्लासेस मैं टेस्ट सीरीज भी मैंने आपकी वाली परचेज की हुई थी तो उसके थ्रू अच्छा। ही मैंने प्रिपरेशन किया है पेपर वन की अच्छा चलो बढ़िया सो so, अब पेपर uh, वन में बेसिकली आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा बच्चों को स्कोरिंग है या आपको अच्छा अच्छे से लगा कि उसका एग्जाम में अटेम्प्ट करना बहुत सही रहता है हाँ जी मैम एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा मुझे स्कोरिंग लगता है एंड डीआई पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट जो है और जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो स्कोरिंग होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये आपने पार्ट वो बोले पार्ट मैं समझ गई ये ये वो पार्ट बोले जिसमें हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं और है। यस और यही चीज अगर आप दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि आप सारी चीजें अगर अच्छे से कवर कर पाओ तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ निश्चित है ना जी सो so, आपने मेरी क्लासेस भी अटेंड करी हुई है हाँ जी मैम मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की हुई हैं मैम मैं, मैं लाइव नहीं ले पाती थी क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं तो मैं आपका हमेशा रिकॉर्डेड देखती थी रिकॉर्डेड के थ्रू मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके मैं हमेशा उससे पढ़ाई करती थी और आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी किए मैंने और प्रीवियस ईयर भी वो सब लगाती थी मैम और मैम डेली पेपर वन का एक पेपर में ना डेली करती थी अच्छा वेरी गुड उससे डी हां जी उससे डीआई की भी प्रैक्टिस होती थी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होती थी डेली वन पेपर करती आपका पॉसिबल हो पाया क्योंकि में हमने मैंने बहुत सारे हुई थी तो आपने छोड़ी मतलब सब कुछ आपने पूरा फुल यूटिलाइज किया है इतनी देर पढ़ाई करते थे आप क्योंकि आपने बोला आप तो मैरिड हो दो बच्चे हैं जी हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं टोटल एट आवर्स देती थी अपनी स्टडीज में फोर मैं देती दोनों पेपर, 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 हाँ पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं आपके ओके सो तो आपने इतना बिजी होने के बाद भी एट आवर्स कैसे निकाले थोड़ा ये भी बताओ बच्चों को मैम जब मैम मैम लाइक मिडनाइट नाइट उठ के पढ़ती थी मैं दो बजे तीन बजे उठ के पढ़ती थी चार बजे उठ के पढ़ती थी मैं मैंने अपना शेड्यूल बच्चों के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ था आफ्टरनून में जब मेरे बच्चे सोते थे मैं तब पढ़ती थी अः uh, तो मतलब मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट किया हुआ था मैं कंटिन्यूस एट आवर्स नहीं पढ़ती थी टू आवर्स पढ़ लिया उसके बाद अपना थोड़ा घर का काम देख लिया बच्चों को देख लिया उसके बाद फिर से स्टडीज कर ली तो मैं ऐसे पढ़ती थी मैम ठीक है ये बहुत हेल्पफुल होगा मदर्स एंड ऑल के लिए भी जिनके पास टाइम हाँ जी मैम जी हाँ जी हाँ जी मैं ज्यादातर मिडनाइट में ही पढ़ती थी जब बच्चे सोते थे ना तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं होता था तो मैं दो बजे उठ के तीन बजे उठ के तब पढ़ती थी मैम मैं ठीक है सो कोई चीज आप बच्चों को टिप्स देना चाहते हो कि कैसे स्टडी करनी चाहिए हांजी टिप्स तो यही है सब बच्चों के लिए कि एक तो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखें अपना एक टारगेट सेट करें कि uh, आज के दिन का जो जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो आज के दिन ही हमें कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है चाहे आपका पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है डेली हाफ एन आवर लाइक अगर मैं फोर आवर्स स्टडी करती थी पेपर वन की तो हाफ एन आवर में uh, जो देती थी वो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होते थे उसको देती थी

मैम बहुत कभी कभी होता था क्योंकि बच्चों के चक्कर में मैं ले ही नहीं पाती थी ठीक है रिकॉर्डेड ही देखा है मैंने ज्यादातर आपका ना ना सारा रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड ही देखा देखा है पर वो वाली क्लासेस का तो देखा ना आपने हाँ जी मैम रिकॉर्डेड तो मैंने सब आपकी क्लासेस ही देखी है सारे रिकॉर्डेड हाँ ठीक है तो मतलब इनडायरेक्टली आपने लाइव नहीं देखी लेकिन रिकॉर्डेड में अटेंड करी है ठीक है तो में मेरे साथ भी करो और अपने आप सेल्फ में भी आप अपना टाइम निकालो जो जैसे कि निकेता ने प्रैक्टिस करी है सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस है जो कि आपको आगे लेकर जाएगी कंसेप्ट तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए वो कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे हो गई कोर्स ले रखा है क्लास से हो गई पर अपने आप को जज आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे क्योंकि क्वेश्चन अलग तरीके से ट्विस्टेड गोल गोल घुमा के पूछता है उसकी लैंग्वेज अगर हमें खुद से भी समझने में आ गई तो हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे निकेता जी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गया था एग्जाम में हाँ जी मैम हो गया था टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आया था, था। हाँ, प्रैक्टिस हो गया था, था मैम वो तो हाँ जी हाँ जी वो तो हो गया था मैम मेरा ठीक है तो आपने लेबर वेलफेयर के बारे में कोई टिप्स बता दो क्योंकि कुछ बच्चे हैं मेरे से पूछते रहते हैं हाँ जी मैम लेबर वेलफेयर में भी मेरी सेम ही मैंने टिप्स फॉलो किए हैं मैं थ्योरी पार्ट भी करती थी और उसके साथ साथ फिर मैं क्वेश्चंस भी लगाती थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हाफ एन आवर में टेन क्वेश्चंस फिफ्टीन क्वेश्चंस जितने होते थे मैं डेली लगाती थी क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरी पार्ट में पढ़ के लेकिन फिर क्वेश्चन में समझ नहीं आती है तो धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो चीज़ समझ में आने लगती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जी और बस यही है कि थ्योरी को बार बार रिवीजन का की नीड होती है तो रिवीजन अच्छे से करें बार बार जी हाँ बस रिवीजन, रिवीजन वो करते चले जाओ और हो जाएगी तो और आपके घर में सब अच्छे से खुश है जे कैसा माहौल है सब तो मैम बहुत खुश है मैम सब लोग बहुत खुश है मैम फैमिली में हस्बैंड मैम सबसे ज्यादा सब खुश है इनफैक्ट रिजल्ट उन्होंने ही मेरा ओपन किया था तो हाँ तो मतलब बहुत खुश है बहुत खुश है मैम सब लोग ठीक है वेरी गुड मतलब एक होता है कि <laughs> निकिता मतलब उनको भी एक्साइटमेंट है कि हाँ मुझे चेक करना है हाँ और... मैम पूरी एक्साइटमेंट है मैम हस्बैंड को भी पूरी एक्साइटमेंट है मैम मेरी मदर है ब्रदर हैं सब लोग ने मैम बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है मेरे को ना हाँ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अदरवाइज मैरिड होने के बाद भी टाइम निकालना तो बहुत ही मुश्किल है और चीजें संभालनी चलो कॉन्ग्रेचुलेशन निकिता आपकी सक्सेस के लिए So uh, मैम बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी अपनी होप को लूज मत करना क्योंकि मेरा भी में हुआ है तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंड के साथ मेहनत करते ना और एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे जी जरूर और आपका ये कौन सा वाला अटेम्प्ट था ऐसा कुछ या फर्स्ट था मैम फिफ्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है मेरा, मेरा ओके okay. इससे पहले नेट हुआ था आपका नहीं मैम नेट भी नहीं हुआ मेरा हमेशा मैम रह जाता था पॉइंट फाइव से वन को, हमेशा रह जाता था नेट भी नहीं हुआ वो मेरा इससे पहले कभी भी ये तो सोने पे सुहागा हो गया मेहनत करने का फल मिल गया हाँ जी मैम ठीक <laughs> तो आपने ये सोचा कि मतलब पिछली बारी से आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है पहले इतन, इतनी मेहनत नहीं करी होगी कि रोज टाइम निकालना है डोल तो अब अब ऐसा लगा हाँ जी मैम हाँ जी मैम लास्ट जब मैंने जून वाला जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी कम की थी वो ना लास्ट में ही की थी फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज बट अभी मैं ना ये चीज मैंने जब से से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैं तब से ये चीज लेकर चल रही थी कि डेली मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और डेली टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है जी ठीक है तो मतलब पूरी शिद्दत से लगना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक तभी होगा एंड तक हाँ जी मैम पूरी तो शिद्दत से मैं, मैं कुछ भी काम करती थी ना तो उसके साथ साथ पढ़ाई चलती थी मेरी खाना है? बना रही हूँ तो उसके साथ साथ भी पढ़ाई चल रही है ठीक है चलो मेहनत सफल हो गई ठीक है सो फाइनली थैंक यू निकिता गुप्ता जी एंड स्टे ब्लेस एंड आपको और आपके पूरे परिवार को कंग्रेचुलेशन ठीक है एंड ऐसे आगे बढ़ते रहिए एंड आई होप की आपका जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब लग जाए और आगे जो भी आपका है पी एच डी असिस्टेंट प्रोफेसर यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर लाइफ थैंक यूं ड्रीम बिलीव एक्ट एन अचीव एक्ट एन अचीव थैंक यू